पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री अभिषेक मिश्रा ने परशुराम मंदिर में पहुंचकर मूर्ति का अनावरण किया और कहा कि उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों के इशारों पर बदमाशों की गाड़ियां पलटती जाती हैं। जनपद जालौन के जालौन नगर क्षेत्र में समाजवादी सरकार में शामिल रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री अभिषेक मिश्रा पहुंचे। आपको बताते चलें कि जनपद जालौन में भगवान परशुराम का एकमात्र मंदिर जालौन नगर क्षेत्र में अभी बनाया गया है, जिसमें परशुराम जी की मूर्ति का अनावरण करने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री अभिषेक मिश्रा पहुंचे। मूर्ति का अनावरण करने के बाद मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पर जनता के भरोसे को छलने तथा उत्पीड़न का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भगवान परशुराम से आशीर्वाद लेकर पंचायत चुनाव तथा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जी जान से जुटने का संकल्प लिया। इस दौरान प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक प्रतिनिधि दीपू त्रिपाठी ने अपने समर्थकों के साथ प्रसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी वापस ज्वाइन कर ली। दीपू त्रिपाठी ने कहा कि आगामी पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए उन्होंने सपा फिर से ज्वाइन की है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस चुनावी सफर में प्रसपा कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रही है, इसलिए उन्होंने अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी को फिर से ज्वाइन कर लिया। हरिओम बुधौलिया, जालौन, समाचार 24। जनपद जालौन में आज आपके आने का प्रयोजन क्या है? जनपद जालौन आज मेरा मुझे लगता है पिछले 4 महीने में तीसरा दौरा है जी। और सभी साथियों से, माननीय अध्यक्ष जी से मिलने, अपने माननीय विधायक जी से मिलने, पूरे समाजवादी पार्टी के साथियों से मिलने, जो चुनाव चल रहा है उस चुनाव में शामिल होने के लिए लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ मिल करके बैठ करके उसको स्ट्रेटजाइज करने, जिससे कि ये चुनाव तो पूरी बहुमत से, पूरी ताकत से समाजवादी पार्टी जीत के ही आए और आने वाले वक्त में 2022 की एक ऐसी नींव रखें, एक ऐसी तामीर हम लोग रखें उसमें, एक ऐसी इबादत बनाएं कि निश्चित रूप से पूरी बहुमत के साथ हमारे अध्यक्ष जी, हमारे विधायक जी, इन सबके नेतृत्व में पूरी ताकत से समाजवादी पार्टी जीत के आए और उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाए। ये एक प्रयोजन था। एक और प्रयोजन था साथ में, वो था भगवान परशुराम के मंदिर का, जो भगवान की मूर्ति थी उसका अनावरण करना, प्रथम आरती करना, भगवान के चरणों में शीश नवा करके आशीर्वाद लेना और उत्तर प्रदेश का, पूरे बुंदेलखंड की भूमि के लिए, पावन भूमि के लिए, जालौन उरई के लिए, कालपी की भूमि के लिए एक यहां से शुरुआत करना भगवान के चरणों का आशीर्वाद लेकर के, कि हम लोग एक शपथ ले रहे हैं। सब समाजवादियों ने प्रणाम किया, प्रसाद लिया और ये सौगंध खाई है कि पूरी ताकत से जुटेंगे उत्तर प्रदेश को, जो लोग झूठ बोलते धर्म और जाति के नाम पर लड़ाते हैं उनके चंगुल से बचाएंगे और समाजवादी सरकार बनाएंगे। चलिए अब इसका देखते हैं कि इसके सरकार के विकास पे आपने सवाल उठाया, ये अकेला आप नहीं उठा रहे। आज की तारीख में हम किसी गांव चले जाएं, किसी किसान से बात कर लें, किसी नौजवान से बात कर लें, किसी शिक्षक से बात कर लें, इवन पत्रकारों साथियों से कैमरे के पीछे बात कर लें, तो लोग यही कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको छलने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है, झूठ बोलने का काम इनके किया। से अगर 2022 में आपके सपा की सरकार बनती है जी, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? पहले मैं वो बताऊं, निश्चित रूप से बहुमत की सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश दोबारा से माननीय श्री अखिलेश यादव जी को जिम्मेदारी देने जा रहा है उत्तर प्रदेश का कामकाज संभालने का। कानून को लेकर आपका क्या स्टैंड है? सबसे पहले जो हमारी प्राथमिकता होगी, एक इतनी गिनाई जा सकती है, सरकार को सब कुछ करना होता है लेकिन बहुत बड़ा काम है रोजगार। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, लाखों लाखों की संख्या में, मैं करोड़ों तो नहीं कहूंगा जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, क्योंकि हम लोग झूठ नहीं बोलते, लेकिन लाखों की संख्या में रोजगार दिए जाएंगे पहले साल में देकर के आपको दिखा देंगे। उसके अलावा सुरक्षा पे बड़ा काम करेंगे। आपको याद होगा जिस तरह डायल 1090 पे काम किया था, डायल 100 पे काम किया था, पुलिस को जितना बड़ा बजट हमने दिया आज तक किसी ने नहीं दिया, पुलिस को नया हेडक्वार्टर दिया, पुलिस को रिमोट कंट्रोल्स दिए, पुलिस को कंट्रोल रूम्स दिए, पुलिस को गली गली चौराहे चौराहे गाड़ियां खरीद करके दी। अच्छा आप हमें ये बताइए, अंसारी को लेने उत्तर प्रदेश की गाड़ियां गई हैं, सरकार की गाड़ियां गई हैं, 20 गाड़ियों का काफला गया है, क्या कोई प्रश्न है अंसारी को पंजाब से लेकर? अब ये तो संदेह आपने जो कहा इसकी सुगवाहट में आज की तारीख में है। पूरा उत्तर प्रदेश इस बात की चर्चा कर रहा है, उस पर नजर रखे हुआ है, मीडिया के साथियों से भी उन्होंने कहा है कि भाई आप साथ रहना काफिले के, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों के तय करने से गाड़ियां पलटने लगी हैं। मैं नहीं सोच सकता इससे खराब कोई दिन आ सकता है कि लखनऊ में एक ऑफिस में बैठ के कुछ लोग तय कर दें कि आज इसकी गाड़ी पलट देनी है, आज उसकी गाड़ी पलट देनी है। डेमोक्रेसी के लिए, किसी व्यवस्था के लिए, जिस देश में डेमोक्रेसी हो, जिस देश में कानून की व्यवस्था हो, जिस देश में कोर्ट को अधिकार हो सिर्फ किसी को फांसी और सजा देने का, जिंदगी और मौत तय करने का, उसमें तय कर दें आज इसकी गाड़ी पलट दो, उस विचार के खिलाफ समाजवादी थे, समाजवादी हैं और समाजवादी रहेंगे। धन्यवाद। हम लोग माननीय नेता जी के उसमें आस्था रखते थे, माननीय नेता जी मुलायम सिंह जी के। आजकल हमने देखा कि भाजपा का इतना किसानों के विरोध है, किसानों के खिलाफ है बीजेपी पार्टी, इसलिए हमारा मन हुआ
कि जो लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है वो प्रतिभा कहीं से कमजोर पड़ रही है। इसलिए हमने सोचा कि अपने घर वापस ही जाना चाहिए, जहां से मैं गया था वहां पे मैंने वापसी का मन। तो कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ लड़ाई में सपा प्रभात भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों का निर्णय ये रहा कि पार्टी यहां पे जो है वो हम लोग आज आप कितने सदस्यों के साथ सपा ज्वाइन कर रहे हैं? सैकड़ों ये जितने लोग हैं ये समाज मिशन का पूरा जिला नेतृत्व था वो पूरा, और जो हम लोग कार्यक्रम कराना चाहते थे अधिसूचना की वजह से, तो हम लोग सैकड़ों साथी।